आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 दे दिया गया है। और याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते रहे हैं, और आपकी सिविल सर्विस में या स्टेट पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे संयुक्त राष्ट्र जो भी इस तरह के संगठन है, फिर चाहे आपके भारत के संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन हो, उन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं। और आप लोग सूची प्लेलिस्ट सूची में जाइए, उसमें सूची बनी हुई है आपकी महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से। अगर कोई छूटा हो तो आप लोग बताइए, उसे भी हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे हैं। आप हर साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपको 2 से 4 क्वेश्चंस इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। हाल ही में भारत की स्वयंसेवी संस्था हेल्प एज इंडिया को वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। पिछले महीने UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी, और इसमें संस्थागत श्रेणी के तहत हेल्प एज इंडिया के साथ व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की रानी मा ग्यालियम संगे चोड़ेन चोड़ेन वांगचुक का भी चयन किया गया है। इस नाम को भी याद रखिए, थोड़ा नाम अजीब है और उच्चारण करने में आपको परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा याद रख लीजिए। ठीक है, याद रहे कि ऐसी ऐसा पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसी भारतीय संस्थान को दिया गया है। इससे पहले 1992 में श्री JRD टाटा को व्यक्तिगत श्रेणी में 1992 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखिए, इससे पहले 1992 में किसे मिला था, ये व्यक्तिगत रूप से दिया गया था JRD टाटा को। ठीक है, अगर हम बात करें हेल्पेज इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट बताएं, तो हेल्पेज इंडिया भारत की अग्रणी चैरिटी संस्था है जो लगभग 4 दशकों से वंचित बुजुर्गों के लिए कम काम कर रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में हुई थी, और यह 1860 की सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इस तरह की संस्था जब भी चर्चा में रहती है तो उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में, किस अधिनियम के तहत हुई है, तो जो 1860 का आपका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। हेल्पेज इंडिया यूनिवर्सल पेंशन गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन करने के साथ वृद्ध यानी कि बूढ़े लोगों के शोषण के खिलाफ कार्रवाई हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है। यह वृद्ध लोगों के लिए हितैषी नीतियों और उनके कल्याण की वकालत करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप समझेंगे कि हम लोग भूल जाते हैं कि वो आज बूढ़े हैं, कल आने वाले समय में हम भी बूढ़े होंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले कहीं मैं निकला हुआ था, तो वहां मैंने देखा कि एक महिला, मतलब बूढ़ी, कोई भीख मांग रही थी, वो गिर जाती है। वहां मैंने देखा हजारों लड़के लड़कियां कॉलेज के सामने खड़े हुए हैं, किसी ने नहीं उठाया। आप समझिए कि हम मतलब किस तरफ जा रहे हैं। कई लोगों को आप देखते हैं कि बदबू आने लगती है। आप सोचिए, कल हो सकता है आपके साथ भी यही घटना घटे। और मुझे लगता है कि इस तरह अगर आप में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो इससे बुरी हालत हो सकती है आप लोगों की। कई अच्छे परिवारों में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मुझे लगता है दो अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कोई भी बेटी हो, वो भी किसी, उसके भी कोई माँ बाप होंगे, और जिस घर में जाती है उसके भी कोई माँ बाप होंगे, तो उस बेटी का मुझे लगता है कर्तव्य होना चाहिए, बेटी और बेटी का, कि अपने उन माँ बाप को देखे, और बेटी के घर में जो भी उनकी भाभी, जो भी आप कहें उनके बेटे की, उनके भाई की जो भी बीवी होगी, उसका कर्तव्य होगा कि वो इनको अपना माँ बाप समझे और इनका अपना कर्तव्य निभाए, इनकी सेवा करे। तो वही कहते हैं ना कि आपके बदले आंख पूरे संसार को यानी कि पूरे विश्व को अंधा बना सकती है। अगर इस तरह की प्रक्रिया यहां लागू की जाए कि हम आपकी सेवा और हम आपकी सेवा, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अभी कई बार आप लोग इंटरव्यू देखते रहते होंगे, ऐसे कई वीडियो देखते रहते होंगे, बड़े बड़े घराने के माँ बाप, बूढ़े माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में देखने को मिल जाएंगे, जिनके बेटे एक तरह से करोड़पति हैं। समझ रहे हैं आप लोग, कौन है ग्लायम संगे चोड़ेन बांगचुक। भूटान की रानी माँ ग्यालियम संगे
चोडेन वांगचुक भूटान में कई दशकों से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही ये भूटान में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए भी संघर्ष है, और ये 20 से अधिक वर्षों के लिए UNFPA की सद्भावना दूत भी रही हैं। हाल के दशकों में आप देखेंगे भूटान में कार्य करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम दर्ज कराई, जिसमें शामिल है भूटान में यौन प्रजनन स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, और 2004 में सम्मान, शिक्षित और पोषण और सशक्त महिला नामक एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना भी इन्हें की थी। अगर बात करें हम लोग संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। UNFPA द्वारा प्रतिवर्ष इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। पहली बार कब दिया गया था? 1981 से शुरू किया गया था और हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान हेतु व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक तरह से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 में संस्थागत श्रेणी के तहत हेल्पेज इंडिया के साथ व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की रानी माँ ग्यालियम संगे चोड़ेन बांगचुक का चयन किया गया है। इन दोनों नाम को जरूर याद रखिए। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का गठन 1969 में किया गया था। कब? 1969 में। यह संस्था प्रजनन अधिकारों की प्रोत्साहन करते हुए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन करता है, जिसमें स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और समग्र यौन शिक्षा शामिल है। इसमें UNFPA का मिशन ऐसे विश्व की रचना करने का है जहां प्रत्येक गर्भावस्था मनचाही हो, प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो और प्रत्येक युवा की प्रतिभा पूर्ण रूप से विकसित हो। UNFPA सरकारों, प्रबुद्ध समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थाओं, चिकित्सा समुदाय, मीडिया, न्यायपालिका और सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वयं समुदायों जैसे विविध हितधारकों के साथ व्यापक रूप से सहयोग करता है। याद रहे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत 1971 से ही कार्य कर रहा है। ये भारत में 1971 से कार्य कर रहा है। ये 1971 की वही डेट है जब आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा था, ठीक है। ICPD प्रोग्राम ऑप्शन ऑफ एक्शन 2015 के उपरांत विकास एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों के वैश्विक फ्रेमवर्क के अनुरूप UNFPA की नीति और कार्य भारत में चार प्रमुख राष्ट्रों पर केंद्रित है। याद रखिए जो सतत विकास SDG इंडेक्स हैं या सतत विकास लक्ष्य हैं, इन्हें आप लोग जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि इनसे कई बार आपके प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस बनते रहे हैं और कई बार आप देखेंगे लिखित परीक्षा में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जब भी आप पर्यावरण या गरीबी या महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, इस तरह के अगर मुद्दों पर निबंध लिख रहे हैं या क्वेश्चन लिखित परीक्षा में लिख रहे हैं मुख्य परीक्षा के, तो वहां भी इनका उपयोग होता है। इन तथ्यों के जो भी एक तरह से लक्ष्य हैं उनका उपयोग होता है, तो जरूर इन्हें आप लोग रट लीजिए। जो भी आपको करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जिस तरह से याद हो सकते हैं आपको करिए। इसमें कौन कौन से चार रास्ते हैं? किशोरों और युवाओं विशेषकर लाचार और हाशिए पर जीते लोगों में निवेश करना, परिवार नियोजन को ध्यान में रखते हुए समन्वित यौन और एवं प्रजनन स्वास्थ्य सूचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग का विस्तार करना, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित शिशु शिक्षक चयन की प्रथा को समाप्त करना और लैंगिक समानता तथा बराबरी को प्रोत्साहन करना। आप लोगों ने देखा होगा कई इस तरह की हमें सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन हम उन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड, इस तरह की जो भी मशीनें यानी कि जो भी तकनीक आई हुई थी, वो इसलिए आई हुई थी कि जन्म से पहले बच्चे के बारे में मालूम चल जाए कि वो स्वस्थ है, या ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमारी से ग्रस्त है वो, उसका इलाज किया जा सके। लेकिन हमने उनके उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया? हमने लड़की और लड़का में भेद करना शुरू कर दिया। वहीं से हम लोगों ने जांच परखना शुरू कर दिया कि ये लड़की है या लड़का है। अगर लड़की है तो वहीं भ्रूण हत्या के रूप में मार दिया जाता है, और लड़का होगा तो आपने देखा होगा किस तरह से। तो आप देखेंगे लिंग जो असमानता है, ये मत कहिए कि जन्म से ही शुरू हो जाती है। मैं तो कहता हूं जन्म से पहले ही शुरू कर दी जाती है। ये भेदभाव जन्म से पूर्व भी हो जाता है, ठीक है। वो किस तरह से होता है आप जानते हैं। जनसंख्या में वृद्धों की संख्या बढ़ने के उभरते मुद्दों के समाधान के लिए प्रमाण आधारित हिमायत सहित जनसंख्या की गुत्थियों को सुलझाने के लिए डाटा का उपयोग
तो यही कहानी है आप संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की। संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ ही, यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। वैसे तो इसके बारे में हम लोग बड़े विस्तार से बात कर चुके हैं, ठीक है। संगठनों की सूची में इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें मेंबरशिप की बात करें तो 193 आपके मेंबर हैं इसमें, ठीक है। और ये बात और याद रखिए आप लोग, क्या बात है वो, मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि देखिए यहाँ जन्म सबने लिया है, और ऐसा नहीं कि आप लोग अमर हो जाएंगे। आप लोग, मैं चाहता हूं, चलिए मान लेता हूं कि आप 200 साल जीते रहें, मैं कहता हूं 5-7 साल जीते रहें, भगवान आपके साथ है तो। लेकिन आप किस तरह से जी रहे हैं ये मायने रखता है। जाना तो सबको है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अपने माँ बाप को, अपनी बेटी जो भी हो, बहन हो, भाई हो, जिस उसके साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके प्रति जिस तरह का आप कर्तव्य रखते हैं, उसी तरह का कर्तव्य आपको बाहरी लोगों के साथ भी रखना है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी बलात्कार की घटना घट जाती है, इस तरह की घटना घट जाती है, तो उसके बाद हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, हम लोग चिल्लाने लगते हैं, हम लोग फेसबुक पर ट्वीट करने लगते हैं, फेसबुक शेयर करने लगते हैं, हर तरह से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वही घटना अगर हमारे सामने हो रही होती तो उस समय हम चुप बैठते हैं। अगर रोड पर किसी लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है, कोई कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो उस समय हम सोचते हैं हमारा क्या है, हमारी थोड़ी वो सिस्टर है या हमारी थोड़ी बेटी है। हो सकता है उसकी जगह आपके परिवार का कोई मेंबर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवान ना हो उस जगह किसी भी परिवार का मेंबर, लेकिन इसलिए थोड़ी आवाज तो उठानी होगी। और हमेशा बोल रहा हूं कि अपने आप कम पहनिए कपड़े, सस्ते कपड़े पहन लीजिए, बस आपका शरीर ढका होना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, इतना कम से कम पढ़ा दीजिए कि वो सही गलत का फर्क समझ सके, वरना पैदा तो हजारों लोगों ने किए हैं, बस पैदा ही रह गए हैं, कब मरे कब जिए कोई पता भी नहीं। तो इतिहास आपके कामों के हिसाब से आपको याद रखेगा, ना कि आप कहाँ जिंदा हैं या मरे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। पढ़ते रहिए आप लोग, और मुझे लगता है कि आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे इतना भरोसा तो हो जाता है कि काफी आप इंसान तो बन चुके होंगे, इंसानियत तो आ चुकी होगी, आप में मानवता तो होगी। आपका पेपर 4 भी आपको पढ़ाया जाता है, उसमें भी आप देखते हैं कि काफी इंसान इंसानियत सब कुछ भर दिया जाता है आपके साथ, ठीक है। चलिए मिलते रहेंगे हम लोग, पढ़ते रहिए।